44 श्रम कानून है उसको खत्म करके अब सिर्फ 4 कोड रहेंगे। उस 4 कोड के तहत जो है अब जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए या उनकी समस्याओं से संबंधित जो भी चीजें हैं वो 4 लेबर कोड के अंदर में ही आएंगे और उसी के तहत हमारा जो श्रम कानून है अब वो चलेगा। उस श्रम कानून का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि किसी भी सब्सिडरी में, जैसे आप सभी को पता होगा, हमारे यहाँ कई सदस्य उपस्थित भी होंगे, कि यूनिट लेवल पर आप सेफ्टी में बैठते होंगे, वेलफेयर में बैठते होंगे, एरिया में एरिया लेवल पर बैठते होंगे, एरिया वेलफेयर होता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द सरकार एक नियम लाने जा रही है कि यदि यूनिट वाइज पर यूनिट वाइज आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, यदि आपको यूनिट वाइज प्रबंधन के सामने बैठना है, अपना प्रतिनिधित्व करना है, तो आपको कम से कम उस पर्टिकुलर यूनिट का 20% जो मैन पावर है वो कम से कम आपका सदस्य होना चाहिए। तो इसको लेकर के हम लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि अभी हम एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, हम एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन के अफिलियट है, उस नाते हम लोगों को एचएमएस में एचएमएस के कारण और एचएमएस से अफिलियटी होने के कारण हम लोगों को कई जगह पर प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। दिखाया उस प्रेजेंटेशन में जो हम लोगों का डिमांड है, जो हम लोगों ने 50% एमजीवी का डिमांड किया है, उससे यदि बिना किसी बहस के वो अगर 50% एमजीवी हम लोगों को दे देते हैं तो उससे कंपनी के ऊपर सालाना वित्तीय बोझ क्या पड़ेगा, यदि वो 5% एमजीवी देते हैं तो उससे क्या वित्तीय बोझ पड़ेगा, 10% देते हैं, 15 देते हैं, 20 देते हैं, 25 देते हैं, इस तरह का एक प्रोजेक्शन बना करके बुलाए थे। साथ ही साथ और भी मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जो हमारी पिछली बैठक हुई थी उसमें यह मुद्दा आया था कि भाई जो वेतन समझौता है, क्योंकि भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें लगभग वेतन समझौता जो है 10 साल के लिए लागू है, सिर्फ कोल इंडिया है और 2-3 कुछ एक इकाइयां हैं जिनमें 5 साल के लिए वेतन समझौता लागू है। तो इसका हवाला दे करके वो कह रहे थे कि बाकी चूंकि सारी कंपनीज में 10 साल का वेतन समझौता है तो आप लोग भी 10 साल का वेतन समझौता मान लीजिए, लेकिन इस पर एक मत होकर के सारे चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने कहा कि नहीं साहब, आपकी इस बात को हम नहीं मानेंगे, हमारा जो वेतन समझौता होगा वो 5 साल का ही होगा। वे हमारी इस मांग को मान गए और उस दिन इस चर्चा के ऊपर पूर्ण विराम लग गया कि अब जो है वेतन समझौता कितने दिनों का, कितने साल का होगा, इसके ऊपर आगे से कोई चर्चा नहीं। हाँ, 44 श्रम कानून है उसको खत्म करके अब सिर्फ 4 कोड रहेंगे। उस 4 कोड के तहत